नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं आप। और इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, शनि जब आपके लगन चार्ट से 9th हाउस में आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, अगर आपका लगन कोई भी हो और शनि अगर आपके 9th हाउस में बैठा हो, तो शनि ऐसे जातक का शनि है, वो जातक को बहुत ज़्यादा ये दिखाता है कि उसको 9th हाउस का जो काम है, 9th हाउस का जो कारकत्व है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। शनि है वो हार्ड वर्किंग बनाता है, एक तरह से हार्ड वर्कर होता है ऐसा जातक है वो। उस पर्टिकुलर भाव से संबंधित या फिर शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है, 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि इनकी जहाँ पड़ रही है, वहाँ को लेके ये आपको थोड़ा स्ट्रगल देता है, थोड़ा हार्ड वर्किंग आपको बनाता है। तो कुल मिलाकर शनि का 9th हाउस में आना ये देखा गया है कि ऐसा जातक अपनी हायर एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस होगा। वो बहुत ज़्यादा एक तरह से पढ़ाकू जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने में विश्वास करते हैं, रिलीजियस होते हैं। तो 9th हाउस की चीज़ों को लेके आप बहुत सीरियस होंगे, ये परफेक्ट है। और यहाँ पे जो कंडीशंस बनेंगी शनि के साथ, और जो ग्रह हैं उनकी अगर युति वगैरह बन रही है, दृष्टि संबंध अगर बन रहा है, तो उसमें रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब 9th का शनि है तो आप फॉरेन ट्रेवल को लेके भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ा डिले भी आपके इन कामों में हो जाए, बट हमेशा डिले हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। पर आपका जो नेचर होगा इन कामों को लेके, इन कारकत्वों को लेके, वो ज़्यादा सीरियस होगा। वो ये दिखाता है कि आप थोड़ा सा हार्ड वर्क अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। 9th हाउस का शनि है तो ये देखा गया है कि जातक के खुद के फिलोसॉफिकल जो आइडियाज़ होते हैं वो उन पे स्टिक रहता है। वो ये मानता है कि मेरे जो आइडियाज़ हैं वो सही हैं, और ऐसे जातक रिलीजियस या फिलोसॉफिकल जो स्टडी है उसकी तरफ भी जाते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे योगा टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिलीजियस टीचर हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों में वो बहुत ज़्यादा संलग्न हो सकते हैं, या वो एक धार्मिक जो टीचर होता है, रिलीजियस जो टीचर होता है, रिलीजियस जो गाइड होता है, वो हो सकते हैं। इसके साथ ही 9th हाउस में शनि है तो ऐसा देखा गया कि ऐसा जातक कोई सोशल वेलफेयर जैसा, ट्रस्ट जैसा या चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा, ऐसी संस्थाओं को ये स्थापित करते हैं जो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। और विशेषकर ऐसा ये या तो अपनी यंग एज में करते हैं या अपनी ओल्ड एज में। इसके अलावा ऐसे जातकों में ये देखा गया है कि ये किसी प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, और विशेषकर ये प्रैक्टिस इनकी ओल्ड एज में ज़्यादा रहती है, स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके या रिलीजियस चीज़ों को लेके या किसी प्रकार की योगा ट्रेनिंग वगैरह, ऐसी ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में जरूर करेंगे अगर 9th हाउस में सैटर्न बैठा हो। इसके साथ ही 9th हाउस में सैटर्न बैठा है तो लक का साथ थोड़ा सा हो सकता है कि देर से मिले आपको, लेकिन फिर भी आप अपने हार्ड वर्किंग नेचर के बल पर आप अपने आप को आगे ले जाएंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं आप सुधार करते हुए अपनी मंजिल तक आप लेकर जाएंगे। और इनका जो नेचर होता है, नेवर गिव अप आल, जो आपने सुना है वो इनका नेचर होता है। और कहीं ना कहीं ये जो जातक होते हैं 9th में जिनका शनि होता है, ये अपने भाग्य को लेके इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते, भाग्य का इनको यानी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती। ये अपने हार्ड वर्क के बल पर ही आगे जाना चाहते हैं, ये सब कुछ ये चाहते हैं कि मैं मेरे हार्ड वर्क के बल पर करूँगा, मैं मेरे दम पर सब कुछ करूँगा। 9th हाउस में शनि है तो 9th हाउस फादर का भी माना गया है, तो हो सकता है कि इनके अपने फादर के साथ थोड़े से रिलेशन खराब हों। यहाँ पर शनि आपको रिलीजियस जो व्यूज हैं, रिलीजियस जो आपके आपकी जो थिंकिंग है उसको लेके बहुत सीरियस कर देता है, और आप एक फर्म तरीके से अपने जो रिलीजियस व्यूज हैं उनको फॉलो करते हैं, आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि अगर खराब बैठा है तो ये आपको दिक्कत करता है, ये नास्तिक बना देता है, अधार्मिक बना देता है। फिलोसॉफिकल की बजाय आप बहुत ज़्यादा थोड़े से अधार्मिक हो जाते हैं, आप फिलोसॉफिकल जो चीज़ें हैं उसमें बिलीव नहीं करते, तो ऐसा भी देखा गया है। 9th हाउस में शनि है तो ऐसे जातकों का, क्योंकि 9th हाउस को हम सेकंड मैरिज के लिए भी देखते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि कई बार अगर सैटर्न का संबंध 7th हाउस से आ रहा है तो वो लोअर क्लास पीपल के साथ आपकी मैरिज भी करवा सकता है, और विशेषकर लव मैरिज भी करवा सकता है। इसके साथ ही सैटर्न है वो 9th हाउस में आपको देता है बहुत सारे जो कल्चर हैं, फॉरेन कल्चर हो गया या कोई भी अन्य देशों की जो कल्चर हैं, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा
एक तरह से जुड़ जाएंगे, उनके उनके साथ आपका लगाव है वो ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे कल्चर्स को आप लेके चलना चाहेंगे, उनके साथ आप जुड़ना चाहेंगे या उसमें आपका इंटरेस्ट होगा, ऐसा कुछ शनि है वो नाइन्थ हाउस में देता है। इसके अलावा देखिए नाइन्थ हाउस का शनि है तो नाइन्थ हाउस आपका लक तो है ही, साथ में आप जो भी अपनी डिग्री वगैरह लेते हैं, कोई हायर डिग्री लेते हैं पीएचडी वगैरह, या आप कहीं फॉरेन जाते हैं अपनी स्टडी वगैरह के लिए, तो उसमें भी शनि का इन्वॉल्वमेंट होता है कहीं ना कहीं। अब जो नाइन्थ हाउस का शनि है वो आपको एक तो अर्थ साइंसेज में बहुत ज़्यादा रुचि देता है, मेटाफिजिक्स वगैरह या इसी प्रकार की अन्य जो साइंसेज हैं, माइनिंग वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा ये आपको लेकर जाता है। तो हो सकता है कि आपकी जो हायर डिग्री है, अगर शनि नाइन्थ में है तो आपकी हायर डिग्री अर्थ साइंस से रिलेटेड हो सकती है, माइनिंग से रिलेटेड हो सकती है, पेट्रोलियम जैसे या जो भी हम माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं जो पृथ्वी से, उससे जुड़ी हुई कहीं ना कहीं हो सकती है, या इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई हो सकती है। ऐसा जातक बहुत अच्छा वकील हो सकता है, ऐसा जातक बहुत ही अच्छा टीचर हो सकता है, वो स्पिरिचुअल टीचर हो या किसी भी प्रकार का टीचर हो। ऐसा जातक बहुत अच्छा योगा ट्रेनर हो सकता है, वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप बहुत अच्छे फिलोसोफर हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। और ऐसे जातक क्या करते हैं, इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं फिलोसॉफिकल व्यूज़ को लेके, रिलीजियस व्यूज़ को लेके, और ये एक तरह से जो थिंकर जो लोग होते हैं वैसे ही इनकी विचारधारा होती है, वैसे ही ये बैठे बैठे सोचते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों के जो विचार हैं उनको एक्सेप्ट करने में ये थोड़ा सा घबराते हैं या एक्सेप्ट करते नहीं हैं जानबूझकर, ये अपने विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं हमेशा। फिलोसॉफिकल जो आइडियाज़ हैं खुद के उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, दूसरे के विचारों को इतना इम्पोर्टेंस इनके नहीं होता, क्योंकि ये खुद कुछ ऐसे विचार रखना चाहते हैं, ऐसे विचार इनके माइंड में आते हैं जो इनके खुद के होते हैं, जो किसी और से ये नहीं लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी देखा गया है। साथ ही जातक का बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है जो फॉरेन ट्रेवल में या ऐसे जो भी धार्मिक जो कार्य हैं उनमें इंटरेस्ट होता है, धार्मिक जो ट्रेवल है, रिलीजियस ट्रेवल या कोई प्रकार की तीर्थ यात्रा, उसमें बहुत ही इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा देखिए ये ऐसे काम भी कर सकते हैं, जैसे बहुत बड़ा कोई फेमस मंदिर है या बहुत बड़ी कोई यात्रा हो रही है, रिलीजियस ट्रेवल हो रही है, तो उसके लिए जो लोग ये खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके जो भक्तों के लिए जो खाने की व्यवस्था करने के लिए जो लोग कई बार व्यवस्था करते हैं, या बड़े बड़े जो जो ट्रस्ट हैं वो इनके लिए खाने की व्यवस्था लगाते हैं, वो ऐसे कामों में भी ऐसे जातक जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल वेलफेयर की जो इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, एनजीओज वगैरह, या कोई ट्रस्ट वगैरह स्थापित करते हैं, या फिर वो किसी भी प्रकार से लोअर क्लास की जो पीपल हैं उनकी सेवा के लिए कोई भी ऐसा संगठन बनाते हैं, कोई भी ऐसा आप ट्रस्ट बनाते हैं, तो उनसे जुड़ते हैं ये जातक, या तो उनसे जुड़ते हैं या उनकी स्थापना में रुचि लेते हैं। लेकिन ये अगर यंग एज में भी ऐसा नहीं करते हैं तो ये ओल्ड एज में जाके कुछ ना कुछ ट्रस्ट से या तो जुड़ते हैं कहीं ना कहीं, या फिर ये अपना खुद का ट्रस्ट स्थापित करते हैं। इसके अलावा ये गौ सेवा जैसे संस्थानों से भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि सैटर्न है तो सैटर्न थोड़ा सा हार्ड वर्क को दिखाता है, तो इनको ऐसे जो काम है उनमें कितना भी स्ट्रगल करना पड़े ये इन कामों में कभी पीछे नहीं हटते, और इनका काम है सोशल वेलफेयर, यानी हमेशा सामाजिक कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए। तो ऐसा कोई भी काम जो कल्याण से जुड़ा है, जो वेलफेयर से जुड़ा हो और जो रिलीजियस वेलफेयर से जुड़ा हो, उसमें ये जाते हैं। इसके अलावा ऐसे जो जातक हैं जैसे भंडारा होता है मंदिर वगैरह में कहीं, तो ऐसे कामों में भी ये बहुत आगे रहते हैं और इनकी रुचि भी होती है। और आपने देखा होगा कई जो लोग हैं, बहुत बड़े जो रईस लोग हैं या अपने आसपास के जो लोकल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भंडारे करवाते हैं, बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं, और बड़े फेमस मंदिर हैं वहाँ पर वो अपना भंडारा करवाते हैं, तो ऐसे लोग हैं, इनका भी सैटर्न है वो नाइन्थ हाउस में हो सकता है। इसके साथ ही ये विशेष प्रकार की कई बार जैसे आपदाएं आ जाती हैं, कोई प्रकार की आपदा आ जाती है जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो जैसे बाढ़ राहत जो कार्य होते हैं उनमें ये जो व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, या कई बार जैसे अभी श्रमिकों वाला जो मेट्रो उठा था उसमें बहुत लोगों के लिए खाने वाने की व्यवस्था है, तो ऐसे जातक हैं वो इस प्रकार से काम करते हैं, ये उनके लिए खाने की व्यवस्था कर सकते हैं।
इसके साथ ही ये मंदिरों में पैसे का दान भी करते हैं, रिलीजियस ट्रेवल के साथ साथ ये अपना पैसा भी उनमें लगाते हैं, कुछ ये दान कर देते हैं। इसके साथ ही इनका जो योगदान होता है वो मंदिर वगैरह में स्थापित करने में भी हो सकता है, या लोगों के लिए जो रिलीजियस ट्रेवल है उसकी व्यवस्था करने में भी, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ भी इनका ये काम हो सकता है कि जो लोग ट्रेवल करते हैं, रिलीजियस ट्रेवल करते हैं, उनके लिए ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें। जैसे आपने देखा होगा कुछ बसें शुरू की जाती हैं जब कोई लंबा रिलीजियस ट्रेवल कहीं हो रहा होता है, या कोई फेमस टेम्पल होता है वहाँ के लिए, जब मेला वगैरह शुरू होता है, फेयर शुरू होता है, तो लोग जाते हैं और उसमें अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाती है। तो ये ऐसे संस्थान होते हैं जो इनके लिए अतिरिक्त बसें लगाते हैं और खाने वाने की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो ऐसे जातक हैं, उनका भी जो सैटर्न है वो 9th हाउस में हो सकता है। अब बात करते हैं दृष्टियों की। देखिए दृष्टियों पे आते हैं, सबसे पहले सैटर्न 9th हाउस से देखेगा आपके 11th हाउस को। 11th हाउस को देखेगा तो आपके पास हमेशा ऑडियंस तो रहेगी, 9th हाउस में सैटर्न है तो आपको सुनने के लिए आपकी ऑडियंस रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है कि वो आपके विचारों को पूरी तरह से आत्मसात करे या ना करे। बड़े भाई के साथ के जो रिलेशंस हैं उनमें थोड़ी सी उदासीनता रहेगी। इसके साथ ही आपका जो लाभ है, आपको जो भी पैसे वगैरह के जो जो भी आपका काम है धन से रिलेटेड, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसमें थोड़ी ना थोड़ी आपको कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है, और आपकी वो चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव में वो कुछ ना कुछ देता ही है, उसको वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, बट जहाँ पे इसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ वो थोड़ा परेशान करता है। तो ये कह सकते हैं कि आपको जो गिफ्ट वगैरह मिलेंगे कुछ, या आपको कुछ लाभ मिलेगा कहीं से, तो उसका थोड़ा डिले हो जाएगा। तो धन को लेके जो काम है वो थोड़े डिले रहेंगे। और अगर आपका सैटर्न यहाँ पर 10th हाउस से संबंध बना रहा हो और ये फिर लाभ भाव को देख रहा है, तो आपको जो जॉब है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। वैसे जो 9th हाउस का सैटर्न है वो जातक का व्यवहार बहुत अच्छा देता है, ऐसे जातक का पब्लिक के साथ व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है, एकदम ये उदार नेचर वाले होते हैं, लेकिन अपने ही विचारों में ये थोड़ा सा स्टिक होते हैं, थोड़ा सा गंभीर होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसके साथ ही 11th हाउस है वो आपके गेन्स का है, आपको जो भी गेन प्राप्त होता है लाइफ में तो उनको थोड़ा ये स्लो कर देता है। साथ ही यहाँ से अब सैटर्न है वो आपके 7th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देखेगा, तो छोटी दूरी की यात्राओं में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशंस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही आप अगर मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको पहचान थोड़ी लेट मिलेगी, या आपको कम्युनिकेशन को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या कम्युनिकेशन को लेके आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग मीडिया वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अगर यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा खराब हो 9th में तो ज़्यादा दिक्कत करता है। उसके बाद शनि यहाँ से देखेगा 6th हाउस को। 6th हाउस को देखेगा तो ऐसा जातक है वो आपका जो डेली रूटीन है, डेली जो वर्क रूटीन है, डेली ऑफिस का जो रूटीन है उसको लेके स्ट्रगल करवाता है, उसको लेके एकदम बांध के रख देता है। जैसे आपको सुबह 7 बजे का टाइम है और रात को आपको 7 बजे बाद ही आना शाम को, तो एकदम आप बंध जाएंगे, एकदम आप उसके जुड़ जाएंगे और उसको आप छोड़ नहीं पाएंगे। इसके साथ ही देखिए 6th हाउस पे सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो वैसे अच्छा होगा क्योंकि ये इमेज से आपकी रक्षा करेगा, ये हेल्थ इश्यूज को लेके आपकी रक्षा करेगा, और कहीं आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो उसको लेके आपको ये थोड़ा अवेयर करेगा, थोड़ी सी आपकी समस्याओं को हल करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं तो वो पैसा आपके पास जल्दी से वापस नहीं आएगा। अगर आपने कहीं से कर्जा ले लिया, उधार पैसा ले लिया, तो आप इसको बहुत जल्दी से चुका नहीं पाएंगे। अब अगर शनि के ऊपर यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये शनि और भी अच्छे रिजल्ट देता है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा सैटर्न आपको जल्दी भी दे सकता है, चीज़ों को थोड़ा जल्दी दे सकता है लाइफ में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये बहुत ज़्यादा डिले करके देता है। लेकिन अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, या शुभ ग्रहों के नक्षत्र में नहीं हो, या डिग्री वाइज कमजोर हो, तब ऐसा हो सकता है कि ये बहुत डिले कर देगा या बहुत खराब रिजल्ट आपको देगा।
इसके साथ ही ये नास्तिक भी बनाता है, 9th हाउस का सैटर्न है वो नास्तिक भी बनाता है। तो कुछ मामलों में आप नास्तिक भी हो सकते हैं, या आप किसी चीज को फॉलो ना करें, कोई जरूरी नहीं आप फॉलो करें ही, आप ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विचारों को आप फॉलो ना करें, कुछ को आप फॉलो कर भी लें। तो 6th हाउस है उसमें देखिए आपका जो 6th हाउस है उसको लेके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके जो सहकर्मी हैं जहाँ आप काम करते हैं अपने ऑफिस का, वहाँ पर जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ रिलेशन को लेके आप इतना ज़्यादा सीरियस रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको उनसे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा। आप उनसे कम बोलेंगे या आपका व्यवहार उनके साथ थोड़ा सा उदासीनता भरा रहेगा। इसके साथ ही 6th हाउस है उसमें आप किसी को अगर पैसे का लेन देन किसी के साथ करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा आप बहुत सोच समझ कर करें। अब देखिए सैटर्न अगर 9th में है तो ऐसा जातक है वो जैसे धार्मिक पुस्तकें वगैरह लिखना और ऐसे काम भी कर सकता है, या वो बहुत ज़्यादा दार्शनिक विचारों वाली जो पुस्तकें हैं बड़ी पुस्तकें उनको पढ़ने में अपनी रुचि दिखाता है, या इनकी जो PhD वगैरह की जो डिग्री होती है, इनका जो डिप्लोमा होता है वो ऐसी ही चीज़ों में होता है, या ये अर्थ साइंसेज को लेके जाते हैं, ये माइनिंग को लेके जाते हैं, ये बहुत बड़ी डिग्री हासिल करते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो ऐसे जो जातक हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थिंकर होते हैं, ये थिंकिंग बहुत अच्छी रखते हैं और बहुत लंबा सोचते हैं, बहुत स्लो सोचते हैं, और इनके माइंड में बड़े बड़े विचार, बहुत अजीब अजीब तरह के विचार, एकदम डिफरेंट आइडियाज रहते हैं, और ये उनको बहुत जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन खुद के जो आइडियाज हैं ये खुद के पास बहुत ज़्यादा रखते हैं। इनके पास जो रिलीजियस आइडियाज हैं, जो फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं, उनका बहुत बड़ा भंडार होता है। जैसे आपने देखा होगा, जो आप जैसे कुछ अच्छे वचन आप कई बार सुनते हैं, सत्य वचन, या आप कुछ ऐसे कोटेशन वगैरह पढ़ते हैं कहीं पे, तो ऐसे कोटेशन इनके माइंड में उठते ही रहते हैं, और ये एक जगह बैठ के थिंकिंग करते हैं, ये सोचते हैं, बहुत लंबा सोचते हैं, बहुत लंबे टाइम तक ये अपनी थिंकिंग को जारी रखते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो जो थिंकर हैं वो बहुत लंबा समय गुजार देते हैं थिंकिंग करते रहते हैं करते रहते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वास्तव में उनके दिमाग में बहुत ही एक तरह से विचित्र जो आइडियाज हैं वो आते रहते हैं, और वो उनको आत्मसात करते रहते हैं, वो सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। और ऐसे जो जातक हैं वो इन विचारों में बहुत सीरियस तो होते ही हैं, तो ये और सोचते जाते हैं और इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए शनि 11th हाउस को देख रहा है, तो ये फॉरेन फॉरेन ट्रेवल से लाभ दिला सकता है, ये फॉरेन ट्रेवल से आपको गेन करवा सकता है अगर शनि अच्छा है तो। इसके साथ ही फॉरेन में ये रुचि देगा आपकी, फॉरेन ट्रेवल के लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे, आप जो है धैर्यशाली भी आप रहेंगे, लेकिन ये आपके धैर्य की परीक्षा भी पूरी पूरी लेता है। कई बार ऐसा होता है कि अंतिम समय में आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फॉरेन जाने की, अंतिम समय में आपको चांस है उसमें आप सक्सेस हो पाते हैं, या कई बार ऐसा भी है कि आप बहुत जल्दी फॉरेन चले जाते हैं, वो तब होता है जब शनि काफी अच्छा बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। तो हम कह सकते हैं कि 9th का जो शनि है वो काफी अच्छा होता है। इसके साथ ही देखिए ऐसा जो शनि है वो ओल्ड एज में जाके जातक को पैसे के पीछे नहीं दौड़ाता, वो ज्यादातर रिलीजियस कामों के पीछे दौड़ाता है, और 9th का शनि है अगर आपका है तो आपके पास पैसे की वैसे कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ओल्ड एज में जाते जाते आप उस लग्जरी को पीछे छोड़ देंगे, आपका उसके प्रति कोई ज्यादा रुझान नहीं रहेगा, आपकी उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी, तो ऐसी चीजें भी आपके साथ होंगी, और अंत में आप उसको कहीं ना कहीं दान दे देंगे, या उनको कहीं ट्रस्ट में लगा देंगे, अपना ट्रस्ट स्थापित कर लेंगे, लोगों की सेवा के लिए आप उसको दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट सैटर्न के रहते हैं। अब आपके जो कुंडली है लग्न कुंडली, उसमें अगर 9th में सैटर्न है तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पे, या शनि के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, या क्रूर ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, क्या क्रूर ग्रहों से शनि का संबंध बन रहा है, तो रिजल्ट थोड़े चेंज भी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर शनि बहुत ही खराब बैठा है तो आप नास्तिक होंगे, अपने जो फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं उनको लेके आपका उल्टी थिंकिंग होगी, बिल्कुल उल्टा होगा, और जो भी मैंने इस वीडियो में रिजल्ट आपको बताए हैं उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, और आपके विचार थोड़े से नेगेटिव भी हो सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर सैटर्न 9th हाउस का है, तो ये क्या करता है कि जो लोअर क्लास की जो कल्चर है, जो फॉरेन कल्चर है लोअर क्लास पीपल्स की, उससे आपको जोड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोअर क्लास से आपके रिलेशंस रहते हैं। अब वो चाहे आप उनसे किसी भी प्रकार का लेन देन करें या कोई भी उनसे व्यवहार करें, बट आपको उनके साथ काफ़ी अच्छी रुचि वो देता है रिलेशंस में। तो इस प्रकार से शनि है वो 9th हाउस में आपको रिजल्ट देता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।